हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फूडीज एक ऑन एयर देन एक ऑन एयर डिश के साथ। आज मैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। हम सभी के घर में गर्मियों में रायता बनता ही है, क्योंकि रायते के बगैर खाना बिल्कुल अधूरा है। तो आज मैं कुछ ऐसे ही 4 डिफरेंट टाइप के रायता की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये रायता आपके खाने के स्वाद को 2 गुना कर देगा। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ी कटोरी दही ले ली है और अभी मैं इसे विस्कर से अच्छे से फेंट लूंगी ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। आप दही को एक बार स्ट्रेनर से छान लें जिससे इसमें कोई पानी ना रहे। और अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। तो यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अभी मैं इसमें 1 टीस्पून सूखा पाउडर ऐड करूंगी। आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं अगर आपको मीठा नहीं पसंद। और मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून व्हाइट सॉल्ट ऐड किया है और इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ हमारा जो दही है वो रेडी हो गया है। अभी हम सभी रायते में इसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी कुकुम्बर का रायता। तो यहाँ पे मैंने एक बोल में ये आधे कुकुम्बर को ग्रेट करके ले लिया है और अभी मैं इसमें लगभग 4 टेबलस्पून दही ऐड करूंगी। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे थोड़ी सी धनिया पत्ती ऐड करूंगी और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे काला नमक ऐड किया है और थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर ऐड किया है और इसे मिक्स कर देंगे। तो हमारा कुकुम्बर रायता बिल्कुल रेडी है। अभी मैं इसे ठंडा ठंडा सर्व करूंगी। कुकुम्बर रायता को आप डेली अपने खाने में ले सकते हैं। कुकुम्बर बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तो यहाँ पे ऊपर से मैंने थोड़ी सी धनिया पत्ती और थोड़ी सी कुकुम्बर के चंक्स को स्प्रिंकल किया है। तो बस हमारा कुकुम्बर रायता रेडी है। नेक्स्ट मैं बनाऊंगी कचुम्बर रायता या फिर बिरयानी रायता। तो अभी मैंने यहाँ पे एक बोल में बारीक कटे हुए प्याज ले लिए हैं, बारीक कटे हुए टमाटर लिए हैं और बारीक कटे हुए खीरा ले लिया है और इसमें बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती और थोड़ा सा बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड की है। और अब मैं इसमें दही ऐड करूंगी। तो लगभग 4 से 5 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे दही ऐड किया है और अभी मैं इसमें काश्मीरी लाल मिर्च की ऐड करूंगी और थोड़ा सा काला नमक ऐड करूंगी और थोड़े से भुने हुए जीरे का पाउडर ऐड करूंगी। तो अभी मैं इसे मिक्स कर दूंगी। तो हमारा जो बिरयानी रायता है बिल्कुल रेडी है। तो अभी मैं इसे ठंडा ठंडा सर्व करूंगी। तो इस रायते को बिरयानी के साथ भी सर्व करते हैं, तो इसलिए इसे बिरयानी रायता भी कहते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा धनिया पत्ती स्प्रिंकल करूंगी और थोड़ी सी काश्मीरी लाल मिर्च स्प्रिंकल करूंगी। तो मेरी कचुम्बर रायता बिल्कुल रेडी है। अब मैं बनाऊंगी बूंदी रायता। यहाँ पे मैंने एक बोल में वापस से दही ले लिया है और इसमें मैं एक छोटी कटोरी बूंदी की ऐड करूंगी। और ये नॉर्मल बूंदी है, मार्केट में मिल जाते हैं। और ऊपर से मैं यहाँ पे थोड़ा सा काला नमक ऐड करूंगी और थोड़ा सा धनिया पत्ती ऐड करेंगे और थोड़े से भुने हुए जीरे का पाउडर ऐड करेंगे और इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो बस मेरी बूंदी रायता बिल्कुल रेडी है। अभी मैं इसे ठंडा ठंडा सर्व करूंगी। तो मैंने यहाँ एक बोल में इसे ट्रांसफर कर दिया है और ऊपर से थोड़ा सा मैंने बूंदी स्प्रिंकल किया है, थोड़ा सा मैं काश्मीरी लाल मिर्च स्प्रिंकल करूंगी और थोड़ी सी धनिया पत्ती स्प्रिंकल की। तो बस हमारी बूंदी रायता रेडी है। नेक्स्ट मैं बनाऊंगी फ्रूट रायता। तो बाकी की बची हुई दही को मैंने यहाँ पे बोल में ले लिया है और अभी मैं इसमें मैंगो चंक्स ऐड करूंगी। आप कोई भी सीजनल फ्रूट्स ले सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वॉलनट्स ऐड किया है और मेरे पास थोड़ी सी चेरीज पड़ी हुई थी तो मैंने उसे ऐड कर दिया है। आपके पास अगर फ्रूट्स नहीं है तो आप ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा काला नमक ऐड किया है, थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड किया है और थोड़ा सा मैं यहाँ पे ब्लैक पेपर ऐड करूंगी। तो बस अभी हम इसे मिक्स कर देंगे। तो हमारा फ्रूट्स रायता भी बिल्कुल रेडी है। बहुत ही ज्यादा टेस्टी हो लगता है, आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बोल में से ट्रांसफर कर दिया है और ऊपर से मैंने थोड़ी सी चेरी स्प्रिंकल कर दी है और थोड़ा सा मैंने मैंगो चंक स्प्रिंकल किया है। तो अभी मैं इसे ठंडा ठंडा सर्व करूंगी। सो फ्रेंड, कैसी लगी मेरी ये रायता की रेसिपी आप सबको? मैंने यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप के रायता की रेसिपी शेयर करी है। आप इस रायता को एक बार जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। ये आपके खाने के स्वाद को और ज्यादा दुगना कर देते हैं और साथ ही साथ ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी भी होते हैं। तो रायते की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट करिएगा और अगर अब तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए घर पर रहिए और सेफ रहिए।